कसौली में हुई हत्या के बाद प्रदेश में कांग्रेस भाजपा पर लगातार हावी होती नजर आ रही है। कांग्रेस जहां एक ओर प्रदेश में रोष प्रदर्शन कर हिमाचल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, वहीं वह भाजपा की असफलताओं को उजागर करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संजय अवस्थी ने कहा कि भाजपा कार्यालय के 100 दिनों में प्रदेश के भीतर दहशत का माहौल देखा जा रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमा चुकी है। हर जिले में भय का वातावरण है। जिस तरह की घटना कसौली क्षेत्र में, एक महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई, और इन 100 दिनों की भाजपा सरकार के कार्यकाल में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी भी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश में धारा 144 दो बार लगानी पड़ी। दूसरी बात, तो भाजपा सरकार के इन 100 दिनों के कार्यकाल में लगभग 25 मर्डर और 75 रेप केसेस जो है इन 100 दिनों के कार्यकाल में सामने आए हैं। ये साफ दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है जनता का विश्वास खो चुकी है और गवर्नेंस के मामले में बिल्कुल पूर्णता फेल हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो सोलन जिला के एकमात्र मंत्री के स्थानीय क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में ये घटना हुई और उनका अभी तक इस घटना को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है, ये भी एक बड़े शर्म की बात है। ट्राई सिटी के अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।